सो दोस्तों यहाँ हमारे अंडे उबले, अरे हमारे नहीं मतलब मुर्गी के अंडे उबल रहे हैं, अभी अंडे खाएंगे उसके बाद कॉफी भी है चाय भी है। ये देखो चाय भी कौन सी अपने पास। सो दोस्तों अपना लंच भी हो गया कंप्लीट, बढ़िया खाना खाया हमने, दाल और रोटी वो खाया हमने। वेलकम टू कांत भोजनालय, 100% व्यूअर वेजिटेरियन। और सबसे बड़ी बात भाई यहाँ पर हो गया मौसम चेंज, अभी हम भाई सारा ही काम हो रहा है, लैंडस्लाइड ना हो इसलिए सारा ही काम हो रहा है यहाँ पर। कितना भी कर लो भाई कुदरत के आगे क्या चलता है। देखो कैसा। सो दोस्तों आप मेरे सामने देख रहे हो सिसु वाटरफॉल, अभी कितना छोटा सा लग रहा है ना, नीचे पूरी आइस जमी हुई है इसलिए भी वाटरफॉल बहुत छोटा है यार ये तो अभी। और इधर ये है सिसु हेलीपैड, कितनी भीड़ है यहाँ पर अभी। सो दोस्तों आप मेरे सामने देख रहे हो सिसु वाटरफॉल, अभी कितना छोटा सा लग रहा है ना, नीचे पूरी आइस जमी हुई है इसलिए भी वाटरफॉल बहुत छोटा है यार ये तो अभी। और इधर ये है सिसु हेलीपैड, कितनी भीड़ है यहाँ पर अभी अभी अभी। दोस्तों देखो हम मनाली घूमने आए हैं, ठंडी जगह पे, वेदर को मतलब ठंडा मतलब टेम्परेचर अभी थोड़ी देर में माइनस में जाने वाला है। और यहाँ पे हम शॉर्ट्स में घूम रहे हैं, फिर देख के हमें बोलेगा अगर बाहर निकलूंगा ना मैं, कहेंगे भाई कहाँ तुम राजस्थान देख सोच के आए थे क्या। ये देखो भाई सामने का नज़ारा देख रहे हो, बिल्कुल ही चेंज हो गया, मज़ा आ गया भाई। आँख खुली और ऐसा नज़ारा देखे तो मज़ा नहीं आया था। तो दोस्तों हम पहुंच गए मनाली, ये पीछे चला गया साइड में लेफ्ट, ये मनाली मॉल रोड की तरफ और हम आगे जा रहे हैं अभी। सब ये कुछ खा लेते हैं, लंच कर लेते हैं क्योंकि फिर यार ये सिसु की क्रॉस करने के बाद, सोलांग पार करने के बाद फिर कुछ खाने को नहीं मिलेगा, फिर सारा टनल के बाद सारा कुछ नहीं है फिर वहाँ पर ना खाने ढंग का। तो यहाँ पर लंच कर लेते हैं उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। बाकी आज का प्लान हमारा यही है कि जिस्पा या जिस्पा से पहले कहीं पर, टाटा से पहले मतलब, यहाँ पर भी स्टे मिल जाए अच्छा बढ़िया, वहाँ पर स्टे करेंगे ठीक है। तो अभी थोड़ा सा ये पार कर लेते हैं उसके बाद सारे भी रेस्टोरेंट में रुकते हैं वहाँ कुछ खाते हैं। पहाड़ों की मैगी, पहाड़ों के चावल, चावल और क्या कहते हैं उसके दाल सब्जी यही मिलेगी अब। बाकी इधर का नज़ारा देख लो थोड़ा सा रोहतांग का, मज़ा आ जाएगा अभी। अभी देखते हैं भाई रोहतांग अटल टनल क्रॉस करने के बाद नज़ारा बदलता नहीं बदलता, फिर ज़्यादातर यही होता है कि अटल टनल क्रॉस करने के बाद फिर थोड़ा सा इधर का और उधर का व्यू में बहुत डिफरेंस आ जाता है ठीक है। तो अभी देखते हैं सोलांग वैली में कुछ बेबुक के खा लेंगे यार। सो दोस्तों फाइनली हमें खाना मिल गया, हम खा रहे हैं दाल तड़का और रोटी। अभी हम सोलांग से काफ़ी पहले हैं तो यहीं में वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिल गया था तो यहीं हमने फटाफट से अपना लंच मंगा लिया, खा रहे हैं हम, खा के फटाफट से यहाँ निकलते हैं आगे की तरफ। सो दोस्तों अपना लंच भी हो गया कंप्लीट, बढ़िया खाना खाया हमने, दाल और रोटी वो खाया हमने। वेलकम टू कांत भोजनालय, 100% व्यूअर वेजिटेरियन। और सबसे बड़ी बात भाई यहाँ पर हो गया मौसम चेंज, अभी हम देखो कैसे हाफ टी शर्ट में और शॉर्ट में आए थे दिल्ली से और यहाँ तो भाई ठंड लगने लगी है। अब मुझे लग रहा है कि भाई मुझे लग रहा है कहाँ वॉशरूम जा रहा है फ़ोटो लेने के लिए, तो मुझे लग रहा है कि भाई अब निकालने पड़ेंगे अपने गर्म कपड़े। मुझे पहले तो पैंट निकाल लूँ यार, पैंट पहन लेता हूँ और ऊपर एक जैकेट निकाल लेता हूँ क्योंकि ठंड लग जाएगी, क्योंकि अटल टनल के बाद तो मौसम चेंज होना ही होना है, तो पहले से निकाल के रख लेते हैं दिक्कत ना है। तो एक काम करते हैं यार शॉर्ट भी तो उतारनी पड़ेगी, आगे जाके कई बार करना पड़ेगा ये काम। तो दोस्तों पहुंच गए हम सोलांग वैली, सोलांग वैली तो पूरा ग्रीन वैली हो रखी है अभी भाई, यहाँ पे तो सिर्फ घास ही घास दिख रही है। अभी चलते हैं आगे, हमारा तो हमारी तो मंजिल कोई और है, हमें तो आगे जाना है, बस आपको दिखाना था कि सोलांग वैली आ गए, अब क्रॉस कर चुके हैं हम और आगे जा रहे हैं अटल टनल की तरफ। अभी आपको दिखाएंगे सिसु वाटरफॉल, अभी मैंने कब दिखाया था आप लोगों को, दिसंबर में दिखाया था तो उस टाइम फ्रीज फ्रोजन तो नहीं थी पर इतना था कि पानी कम था उस टाइम, फ्रोजन टाइप की हो गई थी। अब अभी देखते हैं कि कैसा है। बाकी यहाँ पर देखो भाई सीमेंट का वो कर रहे हैं इस पर, अरे भाई चलो भाई निकालो, सबन नहीं है डीपर भी दे दें, रुक भी जाए एक बार, ये नहीं रुकेंगे। हाँ तुम भी चल लो पहले, हम दो ना जाएं।
हाँ चलो चलो भाई, सारा ही काम हो रहा है, लैंडस्लाइड ना हो इसलिए सारा ही काम हो रहा है यहाँ पर। कितना भी कर लो भाई, कुदरत के आगे क्या चलता है। सो दोस्तों, जैकेट भी निकाल ली है और पैंट भी निकाल ली है भाई, कार को निकाल लिया, अभी यही थी बाहर वो सबसे आगे, तो यही निकाल ली है। अब मैं चेंज कर लेता हूँ, आप लोग देखना मत, थोड़ी देर बाद आता हूँ आप लोगों के सामने। सो दोस्तों, पैंट तो चेंज कर ली है और जैकेट निकाल ली है, अभी आगे जरूरत पड़ेगी तो जैकेट भी पहन लेंगे, अभी तो जरूरत नहीं है, गाड़ी के अंदर निकाल के रख ली है इनके। सो दोस्तों, आप मेरे सामने देख रहे हो शिशु वाटरफॉल, अभी कितना छोटा सा लग रहा है ना, नीचे पूरी आइस जमी हुई है इसलिए भी वाटरफॉल बहुत छोटा है यार ये तो अभी। और इधर ये है शिशु हेलीपैड, कितनी भीड़ है यहाँ पर अभी अभी, लगे जरूरत पड़े तो हाथ में होनी चाहिए। भाई ये दो चिप्स के पैकेट कैसे हो, बम बन गए, बम बम फूल के गुब्बारा हो गए। सो दोस्तों, हम पहुँच गए अटल टनल, अब अटल टनल क्रॉस करेंगे और यहाँ हमें भाई साहब रोकेंगे चेक पोस्ट पे। चेक आप रोका ही नहीं होंगे, अच्छी बात है यार, हमने रोका ही नहीं आज, ये कर रहे हैं ये तो नहीं ऐसे कैसे। चलो जी, अटल टनल स्टार्ट हो गई है, अब मिलते हैं आपको नॉर्थ पोर्टल पे। अब दोस्तों, नॉर्थ पोर्टल की तरफ निकलने वाले हैं, अब देखते हैं इधर का नजारा कैसा है और आपको भी दिखाते हैं क्या नजारा बदलेगा, क्या नजारा बदलेगा। मुझे तो मुश्किल लग रहा है नजारा बदलने वाला है कि नहीं, अभी देखते हैं। यहाँ तो भाई सब कुछ रोक रहा, बंद कर रखा है, ओहो कुछ ज्यादा ही सफेद है, कम है यार इस बार तो, उस साइड खड़ी थी, यहाँ पर गाड़ी खड़ी होने दे रहे। चलो आगे जाके देखते हैं, अभी रुकते हैं फिर। सो दोस्तों, आप मेरे सामने देख रहे हो शिशु वाटरफॉल, अभी कितना छोटा सा लग रहा है ना, नीचे पूरी आइस जमी हुई है इसलिए भी वाटरफॉल बहुत छोटा है यार ये तो अभी। और इधर ये है शिशु हेलीपैड, कितनी भीड़ है यहाँ पर अभी। अभी लास्ट टाइम दिसंबर में आए थे, कितना खचाखच भरा हुआ था ये पूरा, कितनी ठंड थी। और इधर हम खड़े हैं, मज़ा ले रहे हैं। और यहाँ से है टांडी 24 किलोमीटर्स, और इधर से शिशु 1 किलोमीटर। चलो नज़ारे देखो, बाकी अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि टांडी रुकें या केलोंग रुकें, देखते हैं। अभी बज गए हैं 5:15 बाकी है, तो देखते हैं आधे पौने घंटे में जहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ पर जाके स्टे कर लेंगे। तो वैसे टांडी केलोंग में देखते हैं आज। सो दोस्तों, बात ऐसी है पूछो कैसी है, अभी हम पहुँचे केलोंग और केलोंग में हमने ले लिया है होटल, इधर खड़ी अपनी थार नीचे, और चल के आए हैं भाई सेकंड फ्लोर तक ऊपर। और यहाँ अभी ये भाई आज हमने स्टे यहीं ले लिया और बज गए ऑलमोस्ट 6। अब आगे जाने की, जिस पर जाने की हिम्मत नहीं थी भाई, आराम करते हैं ठीक है कंटिन्यूसली। कितने घंटे हो गए भाई, रात को एक बजे चले थे कंटिन्यूसली, और अभी बजे 6, तो इसमें ऑलमोस्ट 6, 12 और 5 17 घंटे हो गए समझ लो, रोड पर ड्राइव करते करते आराम से, ये वो करते करते खाते वाते आराम से आए यहाँ तक पहुँचे ठीक है। चलो दोस्तों, आज की वीडियो को मैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आराम करते हैं, वीडियो एडिट करनी है, वीडियो ट्रांसफर करना है अभी ठीक है, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में आपसे फिर। सो दोस्तों, अभी रूम में आ गए हैं भाई, बहुत बाहर ठंड हो रही है, बाहर हिम्मत नहीं हो रही है, तो अभी अपना खाने वाने सामान भी लेके आ गए हैं, बाकी मेन कोर्स तो हम ऑर्डर कर देंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, अंडे हैं, अंडे बॉयल करके अंडे खाते हैं, और नमकीन वमकीन है अपने वही खाते हैं ठीक है। बस उसके बाद फिर अपना वीडियो एडिटिंग का काम भी करना है मुझे, वीडियो एडिटिंग भी करनी है, बहुत कुछ है लाइफ में, आप लोगों को दिखाना भी है सब कुछ। क्या क्या कर रहा है भाई, तो लग रही है ठंड, चलो। सो दोस्तों, यहाँ हमारे अंडे उबले, अरे हमारे नहीं मतलब मुर्गी के अंडे उबल रहे हैं,
अभी अंडे खाएंगे, उसके बाद कॉफी भी है, चाय भी है। ये देखो चाय भी कौन सी अपने पास, ये मसाला चाय, उसकी मसाला चाय बस आ जाएगा भाई। कॉफ़ी भी है, इंस्टेंट कॉफ़ी, मैगी, सब कुछ अपने पास, टेंशन नहीं है। अभी पॉपकॉर्न का पैकेट, ये एयर ब्लास्ट हो गया था ये, हम डर गए गाड़ी में हुआ क्या, इतनी जोर से आवाज़ आई थी, तो ये अपना भी एयर फट गया था भाई। तो फटाफट अंडे उबलते हैं फिर खाते हैं।